विधानसभा चुनाव को लेकर के आप देख सकते हैं कि नेताओं का दौरा सुबह से ही चल रहा है और हम पहुंचे हुए हैं सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं कि राजद महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार के पूर्व मंत्री भी हैं। लगातार इनका दौरा चल रहा है। सीवान के कई इलाके हैं, मखदूमसराय मोहल्ले हैं या फिर कई शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में डेली इनका सुबह में दौरा चल रहा है। देख सकते हैं तमाम समर्थकों की भारी भीड़ है। अवध बिहारी चौधरी जो यहाँ से राजद के उम्मीदवार हैं और एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है सीवान में, एक तरफ ओम प्रकाश यादव हैं, व्यासदेव प्रसाद हैं निर्दलीय के तौर पे, और बिहारी चौधरी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जिनको मोहम्मद शहाबुद्दीन और हिना साहब का भी समर्थन प्राप्त है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी का दौरा लगातार जारी है, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे अवध बिहारी चौधरी का लगातार दौरा चल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पर कि किस तरीके से अवध बिहारी चौधरी का दौरा चल रहा है और तमाम लोगों की भीड़ भी है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पे, लगातार कई विधानसभा क्षेत्र से भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दौरा चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अवध बिहारी चौधरी अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं। मखदूमसराय मोहल्ले का दौरा चल रहा है, तमाम ये भीड़ देख सकते हैं, एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पर। और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं का दौरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो तमाम ये भीड़ है अवध बिहारी चौधरी की, अवध बिहारी चौधरी जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज कहाँ कहाँ दौरा चल रहा है? दौरा आज सीवान शहर के मालवीय नगर के दौरा हमने किया है और फिर जो है ये वार्ड नंबर 36 और 28 जो पोखरा बोलता है, इसका आज दौरा मैं कर रहा हूँ। और इस दौरे में सभी हमारे साथ इस मोहल्ले के कार्यकर्ता लोग चल रहे हैं। इस बार सर, जैसे कि आप तो पुराने नेता हैं, लोगों तक इस बार जा रहे हैं, इस बार का कुछ चुनाव अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या लग रहा है कि जनता वाकई में बदलाव के मूड में है? पूरे बिहार में परिवर्तन करने के मूड में जनता है जी। और सीवान में तो निश्चित है बदलाव, निश्चित बदलाव। वो जा रहे हैं तो लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं हमको एकदम निश्चिंत होकर जाइए, हम लोग मन बना लिए हैं शहर से लेकर देहात तक, इस बार हम लोग अपने पुराने नेता अवध बिहारी चौधरी को हम लोग वोट इस बार आपको जिता करके भेजेंगे। अब लोग कहते हैं कि हम लोग आशीर्वाद आपको दे दिया है। और सर क्या कुछ सोचा है आपने सीवान के लिए, कुछ नया कुछ करने के लिए? पूरा विकास होगा, विकास को करेंगे जी। हर वार्ड को बैठ करके वहाँ के लोगों से राय लेंगे और जो हमसे विकास चाहेंगे, हम 38 वार्ड का विकास करेंगे जी जी। शहर से लेकर देहात तक विकास करेंगे। और जो हमारे पढ़े लिखे जी नौजवान है, जो बेरोजगार बेकार होकर रोड पर घूम रहे हैं, इनको नौकरी दिलाने के लिए सरकार से कहेंगे कि पढ़े लिखे जो नौजवान है, इसको नौकरी की व्यवस्था हो, उस पर भी मैं काम करूँ। तो बिल्कुल आपने देखा कि अवध बिहारी चौधरी से बातचीत हुई और अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा है कि इस बार बदलाव के मूड में जनता है और इस बार इन्हें अपना नेता चुन करके विधानसभा में भेजने का भी काम करेगी। लगातार आप देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी का वार्ड संख्या 28, वार्ड संख्या 36 सहित तमाम इलाकों का दौरा चल रहा है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों सीधे दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अवध बिहारी चौधरी का दौरा चल रहा है? श्योर एकदम सीवान श्योर शॉट है, सीवान के जनता ने मन बना लिया है कि इस बात और बिहारी चौधरी को भेजना है। हम लोग बहुत कष्ट में है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई पैरवी करने वाला नहीं है, विकास का काम किसी ने नहीं किया, इस बार निश्चित ही सीवान विधानसभा से चुनाव जीता। कई लोग लड़ाई में है, कई लोग हैं, क्या लग रहा है? कोई लड़ाई हम लोग के साथ नहीं। आप बताइए क्या महागठबंधन से? पहले बात, मैं सीवान
बिहार के जो युवा हैं उनके लिए हमारे तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरियां देने के लिए घोषणा किया है, सबसे अच्छी काम उन्होंने किया। उसके बाद किसान योजना के जो कर्ज है वो हमारे तेजस्वी यादव जी ने माफ़ करने के लिए बोला है। ये हम लोग के लिए, बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा ही पैकेज है हम लोग के इस बार। इसीलिए लोग अब क्या चाहते हैं यहाँ पे सिवान सीट या सिवान के 8 विधानसभा में हम लोग लीडिंग कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी हम लोग महागठबंधन के लोग हैं या फिर जो बिहार में आए हुए हैं, वो जितने युवा हैं अभी आकर्षित हैं, क्योंकि उनको कहीं बिहार में मदद नहीं मिला इंडिया की तरफ से और वहाँ पर मारा गया है बिहारियों को। इसलिए युवा जो आए हुए हैं बाहर से वो चाह रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन हो और सब भेदभाव मिलाकर सिवान के विकास के लिए, सिवान के लिए जो जीत रहा है वो विकास के काम नहीं कर रहा है, वो अपना ही उल्लू सीधा कर रहा है, दिल्ली जाके बैठ रहा है और यहाँ हम लोग के लिए यहाँ गर्क में छोड़ दिया है। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल खालिद जी हैं, वार्ड कमिश्नर हैं। अब्दुल खालिद जी, कैसा दौरा चल रहा है और बिहारी चौधरी दौरा कर रहा है? हम लोग प्रोग्राम तो मेरा ही बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग काफ़ी मैंने उत्साहित हैं कि हम लोगों का मैंने प्रोग्राम चल रहा है, लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, लोगों को बीच में ये आज बहुत उत्साहित हो रहे हैं कि हमको परिवर्तन करना है। हम लोग 15 साल देख लिए हैं कि हमारे शहर में क्या विकास हुआ है, कि किसी से छिपा नहीं है, चारों तरफ पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, कोई मोहल्ला नहीं है, कोई वार्ड नहीं है उसे पानी नहीं लगा हुआ है। आज तक पानी का कोई निकास का रास्ता 15 वर्ष में नहीं हुआ। इस बार मंत्री जी को लोग के पक्का इस बार हम लोग का बताइए। वर्मा जी हमारे साथ वार्ड पार्षद मौजूद हैं, क्या लग रहा है आज फिर से हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं? हम लोग तो हमेशा हरे रंग में रहे हैं, एक पार्टी के साथ रहे हैं और 15 वर्ष विकास नहीं हुआ है और ये विकास बिहारी चौधरी जो अभी नॉमिनेशन और लड़ रहे हैं वो विकास के लिए लड़ रहे हैं और विकास और 300 वार्ड में करेंगे और हम लोग 2-4 वार्ड पार्षद हैं जो कि ये पॉइंट बना कर इनको डेली सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग घुमाते हैं और जन सैलाब इतना रहता है कि हम लोग देख के इतना खुश होते हैं कि चलिए इस बार और बिहारी। और भी कई लोग मौजूद हैं हमारे साथ, कुछ बैस समाज के भी लोग मौजूद हैं। पिंकू जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से और बिहारी चौधरी का इस बार देखा जा रहा है कुछ अलग कैंपेनिंग चल रहा है? व्यापक रूप से ये जन सैलाब उमड़ा है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन का सूचक है। जो 15 वर्षों में अपमान और सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो अपमान हुआ है वो इस बार राष्ट्रीय जनता दल सरकार बना करके सम्मान देने को जनता का काम करे। और सिवान विधानसभा में इस बार क्या होगा? सिवान विधानसभा में आप देख रहे हैं जो नजारा, ये संकेत दे चुका है कि और बिहारी चौधरी चुनाव जीत चुके हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता। तो बिल्कुल आपने देखा कि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और ऐसे में देखना यह होगा कि सिवान विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक बना करके बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।